आजकल बच्चों की छुट्टियां चल रही है तो अभी काना यहाँ पे सोया है, नहीं उठाऊंगी। वैसे भी आज बारिश हो रही है बाहर और बाबू अंदर सोई है। और ध्यानी जी से मिलवाती हूँ आप लोगों को। राधे चाय राधे। बना मैं रहे हैं आपके लिए। राधे राधे। चाय बना रहे हैं। चाय बना रहे हो? आप ही ने बोला चाय पिलाओ, तुलसी वाली बना रहा हूँ, तो बनाना पड़ेगा। जबरदस्ती है। तो आपने तो कहा तुलसी वाली चाय रखी है। और ध्यानी जी यहाँ पे प्लीज गैस वो गंदगी वंदगी मत फैला रहा। वैसे भी अभी सुबह सुबह का टाइम है तो साफ कल रात को ही किया होगा मैंने। आपके लिए चाय बन रही है, मैं अपने लिए कॉफी बना रहा हूँ। और ये कॉफी पी रहे हैं, मैं चाय पी रही हूँ, मुझे नहीं पीनी कॉफी। और अभी नाश्ता बनाऊंगी, देखती हूँ क्या बनाती हूँ। आज हमने सबने नहाना भी है, एक दिन छोड़ के नहाते हैं सब। नहीं ये तो नहाते हैं पर हम ना। तो जब हम अपने गांव जाएंगे ना तो आप लोगों को अपना घर भी दिखाएंगे, पूरा टूर कराएंगे घर का। और क्या क्या दिखाएंगे, कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन, पूरा अपने खेत दिखाएंगे, अपनी छन्नी दिखाएंगे। क्या फेमस है और हाँ सबसे पहले अपने बद्रीनाथ जी के दर्शन कराएंगे आप लोगों को। मैं बंद कर देती हूँ, टंकी भर गई है, भर गई है। तो हमारे यहाँ पे ना बद्रीनाथ जी हैं, बद्रीनाथ जी का मंदिर है तो हमारे घर के बगल में। आप लोगों को दर्शन कराएंगे अच्छे से बढ़िया से। और जो कौथी होगा भी। और मेला होगा मकर संक्रांति को। हम कब जाएंगे यार? कौथी खेलने जाएंगे ना, कौथी में जाएंगे। और मैं आप लोगों को बाहर का वेदर दिखाती हूँ, बहुत ज़्यादा ठंड है आज। ये देखिए बारिश भी पड़ने लगी है, बारिश पड़ने लगी है। तो चलिए और मैं आपको दिखाती हूँ मेरे प्याज कितने बड़े हो गए हैं। ये देखिए प्याज इतने बड़े हो गए हैं जो कि मैंने लगाए थे। ये लहसुन जम गई है, इसमें अभी पानी डालूंगी। आम का पौधा अच्छा हो रहा है ये देखिए। और इनको ना जब मैं फाड़ो बनाती हूँ ना उसमें डालूंगी या दाल में डालूंगी तड़के के साथ। जो प्याज भुनते हैं ना दाल बनाते समय उसमें भुनो ना इनको, बहुत अच्छा स्वाद आता है, बहुत ही अच्छा। और गरम भी होते हैं ये, इसका तड़का ना गरम होता है दाल में। दाल किसी भी चीज़ की हो, पीली दाल में खासकर इसका तड़का बहुत अच्छा लगता है, कच्चे प्याज हरे प्याज की पत्तियों का। ये दोनों यहाँ पर उठ चुके हैं और इन्होंने कल परसों में ना ये जो प्रिंटर है इस पर पता नहीं क्या किया, शायद अपने आप प्रिंट करने की कोशिश की दोनों ने, तो प्रिंट अब हो नहीं रहा है। और होमवर्क प्रिंट करने की हम कोशिश कर रहे थे तो ये देखिए निकाल निकाल के पता नहीं क्या क्या कर रहे थे। तो इनके पापा ठीक कर रहे हैं यहाँ पे प्रिंटर को, और वो कागज़ फाड़ रहा है। जैसे ही हम ना प्रिंट करने के लिए कागज़ डाल रहे हैं ना प्रिंटर के अंदर तो वो फाड़ रहा है, पता नहीं क्या कर दिया दोनों ने। देखिए अंदर कागज़ वागज पता नहीं क्या क्या फंसा रखे हैं। बस ऐसे ही करते हैं बच्चे, ऐसे ही करते रहते हैं, वैसे कभी नहीं छेड़ते ऐसी चीज़ों पर, लेकिन पता नहीं। तो स्कूल का होमवर्क है ना, आजकल छुट्टियाँ पड़ रखी है तो प्रिंट करने थे हमें, नहीं हो रहा है, बाहर से करके लाएंगे। मैंने ना अमेजोन से कुछ सामान मंगाया है, किचन का कुछ मंगाया है मेकओवर का, जो कि पेपर है, और एक ये मंगाया है तो ये भी है। ठीक है ये दोनों ही मैंने ऑर्डर किए थे। अब ये वाला ना हमने ऑर्डर किया था, उसके बाद अच्छे से हमने कैंसिल किया, फिर भी उन्होंने ये भेज दिया। ये देखिए कैंसिलेशन का मैं मैसेज दिखाती हूँ आप लोगों को, ये देख रही हूँ ये उल्टा दिखता है फोन में, लेकिन आप लोगों को साफ पता लग रहा होगा कि कैंसिल, यहाँ पे कैंसिलेशन रिक्वेस्ट है, यहाँ पे कैंसिल इट भी आ गया एकदम, मतलब अच्छे से। हेलो दोस्तों, तो आ चुकी हूँ मैं आटा पिसवा के। और हाँ 15 पे काना पूछ रहा है मशीन किस पे कितने पे चलानी है। तो पता है आज क्या हुआ, कभी भी जब भी आप लोग मतलब कुछ ऐसा काम करा रहे हो जैसे आटा पिसाना या कुछ भरोसे वाला काम, तो बिल्कुल भी किसी पे भरोसा मत करना। गाइस आज मेरे साथ एक धोखा हुआ, जैसे ही मैं चक्की पे गई ना तो वहाँ पे मैंने गेहूँ सेलेक्ट किया, कुछ सामान मुझे किराने का लेना था ये राशन का, लेकिन सारी दुकानें बंद थी आज राशन की, चक्की खुली थी। तो जैसे ही मैं चक्की में पहुँचने के बाद मैंने गेहूँ सेलेक्ट किया, नहीं बोलते वो मुझे तो इतना पता नहीं है, लेकिन राजस्थान का गेहूँ एमपी का, तो हमेशा हम जो ये एमपी वाला होता है ना वही पिसाते हैं, क्योंकि जो मोटा सा लाल सा गेहूँ होता है तो वो था 42 रुपये किलो।
एक गेहूं थे 35 रुपए किलो, बस दो ही गेहूं देखे थे, एक 35 रुपए किलो, एक 42 रुपए किलो। मैंने सेलेक्ट किया 42 रुपए किलो। तो मैंने उन भैया को बोला कि भैया घर पहुंचा दोगे पिसवा के, जैसे नॉर्मली रोज बोलती हूँ। उन्होंने कहा बिल्कुल पहुंचा देंगे। कभी कभार तो वो आटा, जबकि गेहूं एक ही सेलेक्ट करती हूँ मैं, और अच्छा वाला गेहूं सेलेक्ट करती हूँ, लेकिन कभी कभार आटा खाने में अजीब कहीं कुछ। तो मेरे मन में डाउट तो था, है ना। पहले मैं अपने सामने ही पिसाती थी, अपने सामने ही घर में ले आती थी, लेकिन कुछ टाइम से ये हो गया कि जब से मैंने यूट्यूब का काम शुरू किया ना, तो थोड़ा बहुत हो जाता है ना, देरी हो जाती है काम में। तो मैं उन पर भरोसा करके कि भैया घर में पहुंचा देना। गाइस क्या हुआ उसके बाद, जैसे ही मैं वहां से निकली और किराने की दुकान तो बंद थे, फिर मैं वापस चली गई। मेरे पास टाइम था कि अपने सामने बैठ के और मैं पिसवा लूँ। जैसे ही मैं वहाँ पे दोबारा पहुँची ना चक्की के सामने, तो वो भैया क्या कर रहे थे, जो 35 वाला गेहूँ था ना उसको मिक्स कर रहे थे, ज़्यादा पूरा कनस्तर उन्होंने उससे भर दिया और एक बार MP वाला गेहूँ निकाल के उसमें डाल रहे थे। जैसे ही मैं पहुँची, मैंने कहा भैया ये आप क्या कर रहे हो, मैंने कहा ये तो, और जबकि बहुत साल से जान पहचान है वो भैया, आज से नहीं जब से हम 7-8 साल से जान पहचान है। मैंने कहा भैया आप मिक्स कर रहे हो गेहूं को, तो कह रहे नहीं 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 ये ना अलग रखना था मुझे। तो क्यों रखना था अलग, तो बाद में उन्होंने एक कट्टे में डाला उसको और अलग रख दिया। मतलब क्यों रखना था, ये बल साबुत गेहूं जा रहा है। साबुत गेहूं आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि साबुत गेहूं चक्की में से कहां को जा रहा है ना, और किस लिए जा रहा है, और पूरा ठीक है। और 25 किलो मेरा गेहूं था, तो मतलब आधा मिक्स उन्होंने कर दिया था जिसमें पिसाते हैं ना। अब ये होता है ना कि जान पहचान में चलो छोड़ो कोई बात नहीं, वो भी साफ करके ही डाला होगा जो 35 रुपए किलो, लेकिन वो कीड़ा सा गेहूं था। कीड़ा मतलब बारीक सा, पतला सा, अजीब सा, उसकी रोटियां वैसी होती। तो कहने का मतलब ये है कि इतनी धोखाधड़ी करनी अच्छी बात नहीं है, और कहाँ जाएंगे हम लोग इतनी धोखाधड़ी करके किसी के साथ, है ना। भगवान को देख के भी डरते नहीं है लोग। मतलब मैं अजीब सा होगा आज से, चाहे मेरे घर में आटा ना रहे और चाहे मुझे कहाँ की देर हो रही हो, मैं 1 किलो वैसे ही ले आऊँगी, कोई बात नहीं 1 किलो वैसे ही खा लूँगी। लेकिन कभी 25 किलो और 30 किलो हम पिसाते हैं, लेकिन 25 और 30 किलो मैं अपने सामने ही पिसाऊंगी, कभी इन लोगों के भरोसे नहीं रहूंगी। आज से अगर आप लोग भी ऐसा करते हो ना, तो एक बार जरूर नोट कर लेना, और हो सके तो टाइम निकाल के, आधा घंटा ही लगता है मैक्सिमम 25-30 किलो गेहूं पिसाने में, है ना। कितना टाइम लगेगा, इतना टाइम तो हम निकाल ही सकते हैं। आज से तो मैं बिल्कुल भी होम डिलीवरी नहीं करवाऊंगी, अपने सामने गेहूं पिसवाऊंगी, उतनी देर वहां पे रहूंगी। तो मैं यहाँ पे आलू गोभी की सब्जी काट रही हूँ, आलू धो के मैंने छील लिए हैं, और काना मेरी हेल्प करा रहा है। गाइस मेरा काना बहुत अच्छा है, मैं मटर छील रहा हूँ, तो अब की बार ना गोभी अच्छी आई है, अभी गोभी का सीजन चल रहा है तो अच्छी आई है गोभी, हमें बड़ा करता। हाँ, और ये थोड़े से मटर काट लेती हूँ मैं, छीमी भी है, छीमी यानी कि सेम, तो वो नहीं काट रही हूँ मैं आज, आलू गोभी ही बना रही हूँ, और थोड़े से मटर। काना गाजर, मुझे गाजर भी नहीं डाल रही, मुझे गाजर है पर नहीं डाल रही हूँ आज। हम दोनों भाई ने खा लिया, सब्जी खाने का मन कर रहा है। मम्मा चटपटा कैसे बनाओगे आप? गाना कह रहा है मम्मा चटपटा कैसे बनाओगे? इसके लिए तो चाट मसाला। चाट मसाला? हाँ। तो ये आलू धो लिए थे मैंने पहले, और आजकल के मिट्टी वाले आलू होते हैं ना तो बेकार हो जाएंगे, नहीं तो सब्जी अगर धोएंगे नहीं तो, कोई भी आलू हो चाहे मिट्टी वाले हो चाहे वैसी हो, धोने तो है। और आजकल की गोभी में ना कीड़ा भी कम होता है। आजकल की गोभियों में ना वेट तो इसी से हो जाता है, लेकिन इसको भी मैं काट लेती हूँ, इसकी भी बहुत अच्छी सब्जी बनती है स्वाद। तो यहाँ पर मैंने लहसुन भी छिल लिया है ढेर सारा, इसको मैं कूट लूंगी और अभी चढ़ा देती हूँ मैं सब्जी फटाफट से। ये देखिए कूट लिया है मैंने लहसुन, और लहसुन आजकल ढेर सारा खाते हैं हम, अच्छा लगता है। तो यहाँ पर बीच में आ गया था मेरी मम्मी का फोन, और सब्जी भी चढ़ा रही हूँ। काना किचन में आ चुका है बहुत परेशान करने के लिए, काना का यही काम होता है 24 घंटे। ये देखिए कभी किसी चीज़ के लिए जिद करेगा, कभी किसी चीज़ के लिए, तो वो जिद कब करता है जब मेरा फ़ोन आया हुआ होता है, मतलब किसी के साथ मेरी फ़ोन पे बात होती रहती है ना, तो उसको पता है कि इस समय तो ये डांटेंगे नहीं मारेंगे नहीं मम्मी। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने प्याज लहसुन सब भुन लिया है, अभी टमाटर भी मैं डाल देती हूँ, अच्छे से भुन लेती हूँ, और टमाटर भी अच्छे से भुन चुका है, तो इसमें डाल देती हूँ मैं सब्जियाँ। कभी कभार मैं पहले मसाले ऐड कर देती हूँ, लेकिन अभी मैं मसाले ऐड ऊपर से ही कर रही हूँ, तो बस वही जो मसाले होते, और इसमें कोई अलग से नहीं डाल रही हूँ, तो बस ढक के रख दूँगी इसको, ये पक जाएंगी।
तो सब्जी मैंने यहाँ पर चढ़ा दी है और अभी गुनना है मुझे आटा। और ध्यानी जी गए हैं चाय पत्ती लेने के लिए, चाय पत्ती खत्म हो गई। काना वहाँ पे क्या कर रहा है और बाबू यहाँ पे अपना अच्छे से पढ़ाई कर रही है, लेकिन काना इतना शरारती हो गया है ना। देखिए बस ये काम है काना का, देख रहे हो क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सब्जी भी बन चुकी है, देखिए बहुत अच्छी खुशबू आ रही है सब्जी से। आजकल क्या है ना कि थोड़ा सा मैं लहसुन डाल देती हूँ, काली मिर्च, एक काली मिर्च डालूंगी, जैसे एक लौंग डालूंगी तो बहुत अच्छी बन जाती है सब्जी। यहाँ पर मेरा आटा भी गुन चुका है, हरे धनिया की पत्ती भी डालूंगी मैं इसमें। यार नहीं ढंग से बोला, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, गलत गलत गलत, कच्चा पापड़ पक्का पापड़। अच्छा पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला, बोलो पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला, 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 पांच बार बोल दिया, पीतल के पतीले में पीता पीला पीला बोल दिया, पतीले में बबीता बबीता, ना 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 बबीता, हाँ बबीता पीला पीला बोल रहे हैं पापा, नहीं मैंने पपीता, ये दोनों पपीता साथ में। अच्छा जब तक लड़ाई नहीं होगी तब तक ये हटेंगे नहीं यार। चांदू की के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक पे, चांदनी रात पे, चांदी के चम्मच चटनी चटाई, चंदू के चाचा ने चांदनी चम्मच चटनी चटाई, ये कैसे ये झटके ले रहे, ये जबरदस्ती ट्रेन में बैठे हो जो झटके लग रहे थे साथ में। ओह।